मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों ने जो साथ दिया उसे हम भूल नहीं सकते। विधायक वो चाहे निर्दलीय हो, सीपीएम, बीएसपी और बीटीपी के विधायक हो, उन्होंने जिस तरह साथ दिया उसे नहीं भुलाया जा सकता। अगर सरकार बची है तो सीपीएम, बीटीपी, निर्दलीय विधायकों के कारण ही बची है। अब टेस्ट हो चुका है, राज्यसभा चुनाव में 126 वोट पड़े, अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ, हमारे दो विधायक बीमार थे, हमारे दो वोट बाहर चले गए। उम्मीद थी कि ज्यादा वोट दूसरी तरफ जाएंगे क्योंकि वही मुद्दा ऐसा था। राष्ट्रपति चुनाव में हार जीत की बात नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। हमें मालूम था कि कौन बनेगा। मुझे उम्मीद थी कि 8 से 10 वोट बाहर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे विधायक एकजुट रहे। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी और संत विजयदास के आत्मदाह को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में वसुंधरा राजे आ रही थी, लेकिन आज मैसेज आया कि वे नहीं आ रही। आज राजे के नहीं आने का कारण समझ नहीं आया। वसुंधरा राजे हो सकता है डर गई होंगी या हाईकमान का डंडा पड़ा होगा। ज्वाइन करके हमें इस बात को दोहराना चाहिए था। पता नहीं वो या तो डर गई होगी या हाईकमान का डंडा पड़ा होगा, कुछ बात हुई दिखती है। बीजेपी नड्डा जी कमेटी बना रहे हैं और लिख रहे हैं उस पत्र के अंदर, मैंने पढ़ा पत्र, इलीगल माइनिंग। इनको पता ही नहीं है कि बेसिक गलती इलीगल माइनिंग की नहीं है। बेसिक बात है जो पहाड़ है उनको मानते ये हमारा धार्मिक पहाड़ है और ये माइनिंग हो रही है, पर माइनिंग सारी लीगल आज नहीं है, बरसों से है। खनन को लेकर संत के आत्मदाह के मामले में गहलोत ने कहा कि धर्म का नाम आते ही बीजेपी वाले चैंपियन बन जाते हैं। संत विजयदास का आत्मदाह बहुत दुखद है, इसकी जांच करा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कमेटी बना दी, कह रहे हैं अवैध खनन। इन्हें पता नहीं कि जो पहाड़ है वहां कई साल से लीगल माइनिंग हो रही है, वहां से बीजेपी राज में और पहले हमने भी खानों को शिफ्ट किया था। गहलोत ने कहा कि सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसका संत विजयदास के आत्मदाह और संतों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। इस घटना से अभियान का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। यह तो संयोग ऐसा रहा कि हमारी मीटिंग और घटना की टाइमिंग ऐसी हो गई कि अटकलें लगाई जाने लगी। यहाँ सब लीगल माइंस है। गहलोत ने आगे कहा कि इस बार हम चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, हमने किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। सरकार रिपीट करने से ही फायदा है। हमारी सरकार रिपीट हो जाती तो रिफाइनरी का 38,000 का प्रोजेक्ट आज 70,000 करोड़ का नहीं होता। हम इस बार अपने काम के हिसाब से सरकार के रिपीट होने की उम्मीद करते हैं, बाकी जनता माई बाप होती है। हम बार बार जनता में सरकार रिपीट करने की अपील करेंगे और इस बार हम काम को आधार बनाएंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर गहलोत ने कहा कि बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारें बदलने में ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, बीजेपी धनबल के दम पर लोकतंत्र को हाईजेक कर रही है। अब टेस्ट उनका हो चुका है, चाहे वो आपका राज्यसभा चुनाव थे तो वोट दिखा के देते नहीं, वो तब भी पूरे वोट 26 में पड़े हैं। राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अभी दो वोट तो दो तो बीमार थे, वो आए नहीं, हम जानते थे, और दो वोट जो गए हैं वो जा सकते हैं। हमें तो उम्मीद थी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो मुद्दे ऐसे ही था कि एक लड़ी विचारधारा की थी वो, और लड़ी व्यक्ति की नहीं थी। राष्ट्रपति कौन बने, हम मालूम था कौन बनेगा, सबको मालूम था, तो मुझे तो उम्मीद थी कि 8-10 वोट जा सकते हैं। फिर भी एकजुट रहे, इसके मायने हर MLA चाहता है कि पब्लिक में संदेश रहे कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ में सब MLA एकजुट है, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी हो। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।